नाम है राजेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं राजेंद्र वर्मा बरेली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 14। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन सी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्त। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से HDFC बैंक का नारा है? इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका योर फैक्ट बैंकिंग पार्टनर, ऑप्शन नंबर बी है बी अंडरस्टैंड योर, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड लोकल बैंक, ऑप्शन नंबर डी है हम है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अंडरस्टैंड योर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, यस बैंक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत कुमार, ऑप्शन नंबर सी शिवम कुमार, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र कुमार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक के संस्थापक प्रशांत कुमार जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला ATM किस बैंक ने चलाया था? ऑप्शन नंबर ए SBI बैंक, ऑप्शन नंबर है PNB बैंक, ऑप्शन नंबर सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है HDFC बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, HDFC बैंक ने पहला ATM चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर एक है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक का जो एक्सचेंज विश्व में बैंक का स्थान है वो है 11वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों को वीज़ा कार्ड देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी है फिनो बैंक, ऑप्शन नंबर सी है आपका पेटीएम बैंक, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, पेटीएम बैंक ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1961 में, ऑप्शन नंबर बी है 1965 में, ऑप्शन नंबर सी है 1956 में, ऑप्शन नंबर डी है 1948 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। RBI अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने के लिए निवेश की घोषणा की गई है, 30 करोड़ की, 300 करोड़ की, 30,000 करोड़ की या 300 करोड़ की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना
कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1964 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1985 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1968 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1990 में। तो इसका सही जवाब होगा 1990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है RBI बैंक, ऑप्शन नंबर बी है आपका इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा RBI बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 12वां क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर एक है मनोला में, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी है रिप्टजरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी है चीन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक मनोला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका 13वां क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 28, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 30। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कितने देशों ने UPI को अपनाया है? ऑप्शन नंबर ए है 28, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 29 और ऑप्शन नंबर डी है 30। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 देशों ने इसको अपनाया है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन है आपका, भारत निम्न में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ब्रिक्स का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका नाटो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ब्रिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका हेंग में, ऑप्शन नंबर बी है जनेना में, ऑप्शन नंबर सी है आपका दोस्तों पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी है वाशिंगटन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाशिंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, बैंकिंग जमत में प्रयुक्त KYC की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक रहेगा कीप योर क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका कीप योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा नाउ योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा नाउ योर कस्टमर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब रहेगा वो नाउ योर कस्टमर रहेगा, KYC की जो फुल फॉर्म है वो नाउ योर कस्टमर है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, 1880 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 13 बैंकों का, ऑप्शन नंबर बी है 12 बैंकों का, ऑप्शन नंबर सी है आपका 6 बैंकों का और ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 बैंकों का। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी रहेगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका आंध्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी रहेगा भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो रहेगा आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपका सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, वित्त मंत्री आयकर संबंधी समय सीमा बढ़ाकर किया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका दोस्तों 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 30 जून 2020, ऑप्शन नंबर सी है 15 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर आपका डी है 31 जुलाई 2020। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 30 जून 2020। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक किसके साथ मिलकर यूपीआई क्यूआर आधारित ईएमआई भरने की शुरुआत की है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरबीआई बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेटीएम बैंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका फोनपे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका NPCL। तो इसका जो सही जवाब रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका NPCL के साथ EMI भरने की घोषणा की है इन्होंने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, यस बैंक पर लगी मुद्रा निकासी लिमिट और प्रतिबंध हटाया गया है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका 25 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 15 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 19 मार्च 2022, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 22 मार्च 2020। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर एक है 1935, ऑप्शन नंबर बी है 1969, ऑप्शन नंबर सी है 1948, ऑप्शन नंबर डी है 1961। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संपूर्ण रूप से पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी है पीएनबी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका एसबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर डी रहेगा एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ोनपे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रहेगा आपका मुंबई में, ऑप्शन बी रहेगा आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी रहेगा आपका नोएडा में, ऑप्शन सी रहेगा आपका बेंगलुरु में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंगलुरु में फ़ोनपे का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ICICI बैंक ने किस सोशल ऐप के द्वारा बैंकिंग सेवा शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है इंस्टाग्राम, ऑप्शन नंबर बी है व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर सी है ट्विटर, ऑप्शन नंबर डी है
फेसबुक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आईसीआईसी बैंक ने, व्हाट्सएप के द्वारा बैंकिंग सेवा शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में कितनी प्रतिशत की कटौती की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका 0.00%, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 0.5%, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका 0.75%, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा 0.40%। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 0.40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों 7 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 10 वर्ष का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्तमान भारत के विकास पब्लिक सेक्टर बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र बैंक, ऑप्शन नंबर सी है सिंध बैंक, ऑप्शन नंबर डी है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बैंक ऑफ बड़ौदा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन नंबर बी है 1 जुलाई 1955 को, ऑप्शन नंबर सी है 15 जुलाई 1949 को, ऑप्शन नंबर डी है आपका 18 दिसंबर 1952 को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पेटीएम के संस्थापक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर एक है समीर, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका प्रशांत वर्मा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका दिलीप कुमार, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका विजय शेखर शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विजय कुमार शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों आपका संदीप कुमार, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका दोस्तों दिलीप कुमार, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका आदित्य पुरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है आदित्य पुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका न्यायाधीश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है प्रधानमंत्री, तो सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। RBI का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन नंबर
ए रहेगा आपका 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 60 वर्ष का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है 3 ईयर का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है शक्तिकांत दास, एंड ऑप्शन नंबर बी है आपका रघु राजन, ऑप्शन नंबर सी है देशमुख, ऑप्शन नंबर डी है अम्बेगोनकर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है एसबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी है आरबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर सी है बीओबी बैंक, ऑप्शन नंबर डी है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो केंद्रीय बैंक है आपका आरबीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी है बी है आपका सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका आईडीबी बैंक। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन डी यानी कि आईडीबी बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा 5वीं बैंक, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 4थी बैंक, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 3री बैंक, ऑप्शन नंबर डी रहेगा 2री बैंक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 3री बैंक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी है आपका कोलकाता में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह है कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 193, ऑप्शन नंबर बी है आपका 198, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका 192, ऑप्शन नंबर डी है आपका 196। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, 196 ग्रामीण बैंक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका बैंक ऑफ चाइना, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका बैंक ऑफ अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो रहेगा आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा आपका, अगस्त 2022 में एकत्रित कुल जीएसटी राजस्व कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका 1,43,000
844, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 1,99,612, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका 1,43,644, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 2,43,012। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है दोस्तों 1,43,612। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर एक रहेगा 24 जुलाई 1694 को, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 27 जुलाई 1994 को, क्वेश्चन नंबर सी रहेगा आपका 25 जुलाई 1969 को, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 15 जुलाई 1972 को। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 27 जुलाई 1994 को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर ए रहेगा आपका दोस्तों 7 सितंबर 1906 को, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 7 सितंबर 1806 को, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका 7 सितंबर 1606 को, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 7 सितंबर 1706। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है आपका 7 सितंबर 1606। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा आपका, दिवालियोपन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों आपका 8, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 6, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका 2, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 4। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6 चरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका 46वां क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया में सबसे ऊंची मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका येन मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका डॉलर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका रुपया, ऑप्शन नंबर डी रहेगा कुवैती डॉलर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है कुवैती दिनार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों आपका, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर सी रहेगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई का पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रहेगा जर्मन, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका यूके, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका दोस्तों संयुक्त राज्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है आपका संयुक्त राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जनेवा में, ऑप्शन नंबर बी है आपका पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी है आपका वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर डी है आपका हैंग में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है आपका वाशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका पीएनबी बैंक, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका बैंक बीओबी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा एसबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका केबी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब रहेगा वो है आपका एसबीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन नंबर बी है आपका 5 अप्रैल 1985 को, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है आपका 15 अप्रैल 1989 को, ऑप्शन नंबर डी है आपका 27 अप्रैल 1969 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, वर्तमान भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? तो ऑप्शन नंबर एक रहेगा आपका 23, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 25, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका 21 और ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका 22। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 22 बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 रहेगा आपका, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1988 में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1985 में, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1984 में, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1989 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1985 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका यूके बैंक, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका आईडीबी बैंक, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आईडीबी बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा आपका, बैंक कितने प्रकार का पीएसएल जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 6, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी है आपका डी 8, ऑप्शन नंबर डी है आपका 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, बैंक 4 प्रकार के पीएसएल जारी करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका 56वां क्वेश्चन है, भारतीय बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी है आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी है आपका बेंगलुरु में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय स्टेट बैंक की सबसे बड़ी बैंक है, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो स्टेट बैंक है वो भारत की पहली सबसे बड़ी बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 98 है, पंजाब नेशनल बैंक भारत की कौन सी सबसे बड़ी बैंक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका 59 क्वेश्चन हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा भारत की कौन से सबसे बड़ी बैंक है, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बड़ौदा बैंक भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा दोस्तों, देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ था, ऑप्शन नंबर ए है BOB, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर डी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है आपका IDBI। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका BOB बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका सिंध बैंक, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका महाराष्ट्र बैंक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक।